तो चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं राजधानी जयपुर के SMS हॉस्पिटल में, जहां इस वक्त अशोक गहलोत मौजूद है और ई लाइब्रेरी का लोकार्पण किया जा रहा है। जिसके अंदर आप देखते हैं कि मरीज मर गया बेचारे पेशेंट, पहले बिल जमा करो फिर उसकी बॉडी में ले जाओ। अब कल्पना करो क्या बीतती होगी उस परिवार में कि मर गया आदमी, पैसा है नहीं उसके पास में, बॉडी बाहर में जाएगी। हेल्थ मिनिस्टर गुलाम आजाद को पार्लियामेंट में बताना पड़ा ये स्थिति मैंने किस प्रकार से इंतजाम करके पैसे का मैंने मरीज को भेजा जम्मू कश्मीर का। ये जब सुनते हैं तो फिर थोड़ा धक्का लगता है, भाई ये क्या मामला है। तो आधा तो आप खुद जो है ध्यान रखें, ऐसा प्रपोज बने जो देखे उनकी हैसियत क्या है, उसके अकॉर्डिंग टू उनसे पहले वसूल करें, नंबर एक। नंबर दो, इलाज का जो उनकी मैं ऑडिटिंग कर रहा हूँ कि कितना खर्चा आता पेशेंट पे, कितने से हमारा काम चलता है, उसके अकॉर्डिंग तो आप रेट तय करो अलग अलग इलाज की। और अब तो समाज में जागरूकता आ गई। कल मैं देखे टीवी प्रोग्राम एक NDTV का, पता नहीं वो किस राज्य का था या और देश का होगा पता नहीं, NGO इकट्ठे हो रहे हैं इस काम को लेकर विरोध करने के लिए। प्राइवेट हॉस्पिटल के विरोध के अंदर NGO सड़कों पर आए हैं, और मैं देखा वो तख्ते लेकर के चल रहे थे और नौजवान बच्चे लड़के लड़के सब उसको इंटरव्यू दे रहे थे। तो और नौजवान के अलावा दूसरे भी थे जो किससे बताए थे कि मेरा मेरे परिवार को व्यक्ति कैसे मर गया, क्या क्या कमी है, नहीं वो सब बता रहे थे। वो अचानक मेरी दृष्टि चली गई, आज मुझे आने था तो मैं दिन में आज मेरी बातें सबको कहूँ। मुझे खुशी है कि आज प्राइवेट सेक्टर के यहाँ साथ यहाँ बैठे रहे हैं तो मेरी बातें वो बजाय कि अखबारों में पढ़ते हैं वो खुद सुन रहे हैं, इस बात की मुझे खुशी है। और ज्यादा उनके जहन में मेरी बातें आई होंगी, क्योंकि अखबार पढ़ो तो देखते हैं नेताजी बताने किस मूड में बोल गए होंगे, और एक आप खुद सुनो सामने तो लगता भी दिल से बात कर रहे। तो ये बात आपसे मैं करना चाह रहा था। मुझे खुशी है कि डॉक्टर भंडारी ने हम सबको बताया, धारीवाल जी ने जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत प्रोजेक्ट लेकर के जितना कर सकेंगे ये कमी नहीं रखेंगे। और वैसे भी जयपुर में आप देख रहे हो कि चाहे वो घाटी गुणी की सुरंग बनी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू मार्ग बना हो, चाहे बरामदे खाली हुए हो या और भी अंडरब्रिज का जाल बिछा हो, जो कुछ भी हुआ है 98 से मेरे साथ में है ये मंत्री इसी विभाग के। और मैं समझता हूँ कि इसी विभाग में आगे भी रहेंगे, आप निश्चित रहना, मैंने कह दिया नंबर समझना कि तो इसी रूप में ये काम करेंगे। और जो आपकी समस्याएं हैं सुविधाएं हैं आप निश्चिंत रहें कि उसमें सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी मिलेगी। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। तो सीधी लाइव तस्वीरें आपने देखी राजधानी जयपुर के SMS हॉस्पिटल से, जहां इस वक्त आपने सुना CM अशोक गहलोत का संबोधन, जहां वो बता रहे थे कि किस तरीके से जयपुर लगातार प्रगति कर रहा है और नवनिर्मित सभागार और ई लाइब्रेरी का यहां पर उन्होंने लोकार्पण किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।